भगवान कृष्ण को जन्म से लेकर के आप अप्रकट लीला तक देखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे हैं। बड़े बड़े असुर मारने के लिए आए, अगासुर बगासुर पूतना, कितने बड़े बड़े असुर मारने के लिए आए। जब कालियाना का दमन कर रहे हैं उस समय भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जीवन जीने के बहुत सारे तरीके हैं। हंसते हंसते कैसे जीना है और हंसते हंसते कैसे मरना है, इसका भी एक टेक्निक होता है, तरीका होता है। इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जिनका मुंह मुरझाया रहता है, जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जर्जरित होकर के दुखी रहते हैं, उनके चेहरे से जैसे मुस्कान गायब हो जाती है, वो जीवन में जैसे हंसने भूल जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति भी संसार में जी रहे हैं, जो महीने पर महीने सालों पर साल हंसना और मुस्कुराना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वे समस्याओं से लड़ते लड़ते हार चुके हैं, इसलिए वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और निरंतर जो है दुखी रहते हैं। बहुत व्यक्ति उनको हंसाना भी चाहते हैं, बहुत व्यक्ति उनको सुखी भी देखना चाहते हैं, किंतु उनके जीवन में इतना बड़ा सदमा पहुंच चुका होता है, उनके जीवन में इतनी बड़ी दुख की घटना घट चुकी होती है कि वह चाहते भी नहीं हंस पाते हैं। तो इस प्रकार का एक जीवन है जो इस संसार में ज़्यादातर व्यक्तियों में देखने को मिलता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट भी हैं, बहुत बड़े बड़े दुख देखने को मिलते हैं, फिर भी हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे में एक मुस्कान रहती है, उनके जीवन में एक आनंद रहता है। अंदर में कितनी भी समस्याएं हो, कितना भी दुख हो, घर के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, अपने अंदर हो, वो जो है एक टेक्निक जानते हैं, एक तरीका जानते हैं, एक उपाय जानते हैं, जिस उपाय के द्वारा जो है वो हर समस्याओं को समाधान करते हुए निकल जाते हैं और जीवन में मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इस प्रकार का भी एक जीवन होता है। इस प्रकार जो है हमारे नज़दीक एक व्यक्ति मर मर के जी रहा है, एक व्यक्ति हंस हंस के जी रहा है, एक व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बड़ा समस्या समझ करके दुखी होकर के जी रहा है, एक व्यक्ति हंसता हुआ जी रहा है, आनंद में जीवन यापन कर रहा है। तो दोनों का कारण हम लोग को रिसर्च करना चाहिए, उसके पीछे जो है जीवन जीने की कला एक को आती है, एक को नहीं आती है। एक को जीवन जीने की कला आ रही है, एक को जीवन जीने की कला नहीं आ रही है। एक सुखी व्यक्ति, एक आनंदमय व्यक्ति के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, उसने जीवन जीने की कला जो है सीखी है। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो उसके पीछे बहुत सारे कारण पता लगेंगे कि क्यों है जो है हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्यों हंसता रहता है, क्यों आनंद में रहता है, क्यों इसके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती है फिर भी वो उसको दुखी नहीं कर पाती है। तो उसने जीवन जीने का तरीका सीखा है। तो जीवन जीने का तरीका क्या है? जीवन जीने का, सुखमय जीवन जीने का तरीका है ईश्वर से जुड़ के रहना। जो सुखी व्यक्तित्व है, जिनका व्यक्तित्व आनंदमय है, जिनके व्यक्तित्व में शांति है, वो ऐसे व्यक्तित्व के नज़दीक में रहता है। वो व्यक्तित्व स्वयं भगवान हो सकते हैं, वो व्यक्तित्व सदगुरु हो सकते हैं, वे व्यक्तित्व भगवान का कोई बड़ा भक्त हो सकता है, वो कोई महापुरुष हो सकते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व के नज़दीक में रहता है तब जाकर के उसको जीवन जीने की कला आई है। इसलिए हमको आनंद में जीवन यापन करना है तो हमको जो आनंद में जीवन यापन करते हैं, जिनको टेक्निक पता है, उनके पास में हमको जाना होगा, उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को,
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति न अत्यत्र संशयो यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम् तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन इस संसार में हंसते हंसते कैसे जीना है और हंसते हंसते कैसे मरना है। इस संसार में आनंद में जीवन यापन करना है तो भगवान से जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कृष्ण को जन्म से लेकर के आप अप्रकट लीला तक देखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे हैं। बड़े बड़े असुर मारने के लिए आए, अगासुर बगासुर पूतना, कितने बड़े बड़े असुर मारने के लिए आए। जब कालिया नाग का दमन कर रहे हैं उस समय भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण को 101 गाली दी थी, 101 अपमानजनक शब्द बोले थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो मुस्कान गाली देने के पहले थी वही मुस्कान अंत तक रही। अर्थात हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण जो है सम थे, समता में थे, हर परिस्थिति में मुस्कुरा रहे थे, आनंद में थे। तो ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे जो परमेश्वर है, यदि उनका हम भजन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके साथ में संबंध रखेंगे, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ जाएगी, हमारे अंदर भी वो गुण डेवलप हो जाएंगे। इसलिए हमको भी यदि सुखी जीवन जीने का तरीका खोजना है तो जिनका सारा जीवन सुखी रहा है, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं, उनसे जुड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण जो है हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का भी जीवन देखिए, हर समय उनके जीवन में आनंद की बाहर आनंद दिखाई देती है। इसलिए जो है अंत काले च मामे वो, और मृत्यु के समय भी कैसे मुस्कुराते हुए प्राण त्याग करना है। ज़्यादातर बुढ़ापे के समय, मृत्यु के समय जीव को बहुत कष्ट होता है, बीमारी के समय बहुत कष्ट होता है, उस समय व्यक्ति का मुस्कुराना छूट जाता है, अंदर का आनंद चला जाता है। किंतु जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो भगवान का सुमिरन करते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनको ऐसा एक उपाय बता देते हैं जिस उपाय से वो जो है हर समय मुस्कुराते रहते हैं। भगवान के अंदर जो गुण हैं वो गुण उनके अंदर संचार हो जाते हैं, वे भी हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाते हैं, उनके अंदर भी आनंद का समुद्र हिलोर लेता रहता है। इसलिए जो है मृत्यु के समय हंसते हंसते हमारे प्राण निकले, उसके लिए हमको आजीवन श्री कृष्ण का स्मरण करना होगा, आजीवन श्री कृष्ण का भजन करना होगा, उनसे जुड़कर रहना पड़ेगा, तब मृत्यु के समय भगवान की याद आएगी। मृत्यु के समय जब हमारे मुँह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जब निकलेगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होगा, भगवान कृष्ण के धाम का चिंतन होगा, भगवान का सुमिरन होगा, उस समय जो है हमारे अंदर आनंद ही आनंद रहेगा और मृत्यु का जो दुख है वो दुख हमारे से दूर चला जाएगा। इसलिए जो है हम यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो हमें सारा जीवन श्री कृष्ण की उपासना करनी होगी। यदि भगवान का उपासना नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो सारा जीवन जिसका चिंतन करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। यदि हम एक अज्ञानी व्यक्ति से संबंध रखते हैं, एक दुखी व्यक्ति से संबंध रखते हैं, एक असहाय दुर्बल व्यक्ति से संबंध रखते हैं, वही दुर्बलता, वही दुख, वही अज्ञानता, वही निर्धनता, वो सब हमारे जीवन में दिखाई देगी। इसलिए हमको यदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आनंद में जीवन यापन करना है, हंसते हंसते मरना है, हंसते हंसते जीना है, तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही वो तरीका जानते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के जो परम भक्त हैं, सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं,
ये वो तरीका जानते हैं कि हम कैसे 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 जो है हंसते हुए जी सकते हैं और हंसते हुए मर सकते हैं। इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर के चरणों में शरणागत होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग हंसते हंसते जी सकते हैं और हंसते हंसते मर सकते हैं। हरे कृष्ण।